20 अप्रैल से देश में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के संबंध में राज्य सरकार से चर्चा की, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट, क्लस्टर, कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, उनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। हालांकि ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों को आलंकन करके ही दी जाए। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है। 20 अप्रैल से इन चीज़ों में ढील दी जाएगी। खेती, हॉर्टिकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी, इनमें आयुष से जुड़े सेवाएं भी है। मनरेगा वर्कर्स को काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करना होगा। खेती से जुड़े सामान, कल पुर्जे, सप्लाई चेन जैसे जुड़े काम कहीं किए जा सकते हैं। दवा बनाने वाली कंपनी और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे। चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन के अधिकतम 50% कर्मचारी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। गौशाले और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बराबर रखी जाएगी। निर्माण कार्यों को अनुमति होगी। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाले दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुले रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर और इसी तरह के स्वरोजगार वालों को काम करने की इजाज़त होगी। लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वालों लोगों को नहीं दी जाएगी।